वेलकम टू कश्मीर व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं रंगखेल। हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से सर्दी बहुत ज्यादा थी। ट्रेवल मेरा पैशन है, इसलिए मैं सफ़र के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। क्योंकि ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है तो सब दोस्तों ने मिलकर ग्रेजुएशन ट्रिप अरेंज किया है। ये सफ़र हमें अपने दोस्तों के साथ एक यादगार तजर्बे की तरफ लेके जा रहा है। हम अपने साथ दोस्ती और मोहब्बत की दास्तानें लेकर जा रहे हैं। सामान पैक करने के बाद मैं अपने दोस्त के घर गया और वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो यार, हम अभी फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं। हमने जाना है कश्मीर साइड पे जा रहे हैं शारदा। वालेकुम। कभी जल्दी नहीं पहुँच जाता तो कभी जल्दी नहीं पहुँच जाता। अस्सलाम वालेकुम। और सुना क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सुनाओ तुम भी। चलो फिर भी क्या हाल है जी? चला मुझे पता ही नहीं, कॉल उठा उठा नहीं। क्या हाल है? तो गाइस, ये है कोस्टर हमारा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे जो लड़की थी शाफे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। और शुक्र यार। कैमरामैन हाजिर हो। तो सारे पहुंच चुके हैं यार, अंदर आ जा। तो यार ये दोनों आ गए फाइनली, जिनका इंतजार करते। इधर से आओ। बहुत जल्दी आया यार। उमर क्या जी? यार सब लोग आ चुके हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। बंद कर, चले दुआ पढ़ के निकलते हैं यहाँ से फैज़ाबाद से। सुभान अल्लाह सुभान। तो निकल चुके हैं जी यहाँ से। यार दुआ तो पढ़ो ना सब लोग, दुआ पढ़ो जी। पहले तो सबसे पहले तिलावत करने कौन आ रहे हैं? सुबह 7:22 हुआ है। हमारा जो प्लान था वो 5:30 निकलने का था, लेकिन हो गए लेट। कुछ लोग आने में लेट कर दिए, तो अभी हम चल चुके हैं इस्लामाबाद से। तो गाइस हम अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए हैं। हम बाहर जाएंगे, वहाँ पर लोगों को दिखाएंगे। अच्छा भाई, ये सामने इंडिया वाला गांव है, ये नीचे बिरला के ना झंडा लगा हुआ है, ये बॉर्डर है। ये सामने इंडिया का झंडा है, वो सामने इंडिया और बॉर्डर बीच में पानी। चलो यार, तो यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं शारदा वैली और ये हमारा होटल है। राजा जी गायर है का सफर कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है यार। सुन, क्या हुआ यार? टीवी से पूछ यार, ये माद ऑर्गेनाइजर ऐसे पूछो क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज ही नहीं। अच्छा क्या हुआ माद भाई? उधर से बड़ी फिल्में सुना रहे थे, बड़े साले ख्वाब दिखा रहे थे। तो यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं होटल पे जो हमने रिजर्व किया हुआ था। ये होटल है, अभी आप लोगों को रूम का विजिट कराते हैं। सत्यन जो है ना रिव्यू देने जा रहे हैं कमरे का। ओए होए होए, कैसा रहा? ये सख्त है यार। सख्त है? आई हाँ शकील,
यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। सो हमने नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, ज़रा रेस्ट करने के बाद बाहर निकला हूँ। बहुत ही खूबसूरत माहौल है और ठंडा भी है, तो हम अभी जा रहे हैं दरिया के किनारे पर। वो सामने दरिया है। तो यार आज हमने इधर ही स्टे करना है। ये सामने हमारा होटल है ये वाला, और सुबह हमने आगे अरंगखेल की तरफ जाना है। हम अभी यहाँ पर बीच की तरफ आए हुए हैं दरिया के किनारे, थोड़ा एंजॉय करने के लिए माहौल को। तो बाकी सारे लड़के, हमारे जो लड़के हैं, ये ऑलरेडी इधर पहुँचे हुए हैं। तो यार हम अभी बॉनफायर के लिए जा रहे हैं, सामने है। हाँ जी, क्या हुआ? मैं कह रहा था गाड़ी की हाजिरी मारना जरा लेकर। Oh, magnificent, I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself, I think I went through hell. Could I try to अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल है? ठीक ठाक। और मज़ा आया रात को, नींद सही है यार? कैसी आती, अच्छी जगह थी। वो देखो स्नो हो रही है ऊपर, स्नो भी हो रही है। हाँ, इधर जा रहे हैं अभी हम। अभी हम दरिया के पास शूट करेंगे। तो गाइस हम अभी जाने लगे हैं यहाँ से अरंगखेल की तरफ, और हम होटल को भी पैकिंग करके निकल रहे हैं। हाँ जी, सब टाइम क्या हाल है? नींद नहीं हुई अभी। नींद नहीं हुई क्यों? रात को सोया नहीं? चार बंदे ऊपर करो बैक पाउंड। ओहो यार, सो सैड। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। सपोर्ट के नाम में कमल कह के भाग गए दूसरे रूम में। अच्छा, आई आई लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको दिखाता हूं कि जब लड़के कमरे में आते हैं तो जब छोड़ के जाते हैं तो क्या हाल होता है। क्या हाल होता है ये देखिए, यहाँ पे लड़के का पता नहीं किसका बैग खुला हुआ है, एक को तमीज नहीं है, कार्पेट पे जूते रखे हुए हैं। नहीं ये तो लेके जाना है ना, ये तो समेट के ले जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? नहीं ना, ये बात तो नहीं होती ना, अब रह भी रहे तो बंदा तरीके से रहता है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, ये आप मुझे बताइए कि मैं कैसा, मुझे लगता है ये सारा सामान आपका, ये जेंटलमैन मुझे बता रहे कैसा लग रहा हूँ। बारिश और हो रहा है यार, तेज़ से। क्या हाल है तल्ला, ठीक हो? तो गाइस हम अभी यहाँ से अरंग खेल जाएंगे इस गाड़ी में। हम सब तैयार है गाड़ी में, ड्राइवर अभी नहीं आया, और लड़के अभी तैयार हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, अभी नहीं आया, तो हम फिर निकलेंगे। अभी सही बारिश हो रहा है। और कासिम क्या हाल है, सुना सर्दी तो नहीं है ज्यादा? सर्दी नहीं है, हल्के हल्के बारिश है, लेकिन मजा आ रहा है यार। आज का क्या प्लान है बता मुझे? हम लोग यार जाएंगे अरंगखेल जाने का प्लान है। हाँ, और हमने पहले केल जाना है, वहाँ से थोड़ी जिप लाइन तो नहीं चल रही, तो 3 घंटे की हाइकिंग करनी है, अरंगखेल पहुँचेंगे, नाइट स्टे होगा उधर, और उसके बाद वहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे वापिस रवाना होगा। अच्छा चलो सही है फिर। ओके ओके, ये मीट हमाद भाई, क्या हाल है? हाय, सुना यार हम प्लानर, तूने तो सारे प्लान तूने किए। हाँ, आगे क्या प्लान बताना, मजा आ रहा है अभी तो स्टार्ट है। तो यार बारिश हो रहा है तो क्या मसला तो नहीं होगा हाइकिंग में? कोई मसला नहीं होता, थोड़ा सा इशू हो सकता है अगर कीचड़ हुआ, हाइकिंग करने में मुश्किल होगी, लेकिन कर लेंगे। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप सुबह गए थे नीचे पानी? हाँ जी, पानी के पास घूम के आ गए, सुबह फ्रेश होके।
और बताएं यहाँ से आगे कितना सफर है रंगखेल तक? एक घंटे का सफर है। तो रोड वगैरह साफ होंगे या रोड साफ है अभी? कोई मसला तो नहीं है क्योंकि बारिश हुआ है तो कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा सही है। यहाँ से ये गाड़ी नहीं जाती, जीपे जाती। अच्छा अरंगखेल से हम लोग नहीं जाते। अच्छा वहाँ यहाँ से जीप जाते हैं? जीप का रखे हैं। ओके सारे रेडी है।